पहले तरह ही शिकायत निवारण शिविर में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नागपुर पुलिस और जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आर्थिक अपराध, भूमाफिया और गुंडों के 50 पीड़ितों के साथ सोमवार को पुलिस जिमखाना में बातचीत की है। गृह मंत्री के साथ बातचीत करते हुए शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत पर चर्चा की। ज्यादातर संपत्ति अपराधों से संबंधित थी, जिस पर देशमुख ने संबंधित पुलिस उपायुक्तों को मामले में आवश्यक संज्ञान लेने का निर्देश दिया। डीसीपी आर्थिक अपराध शाखा विवेक मसाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, मंत्री को सूचित किया गया है। मंत्री ने कहा था कि उन्हें सफेदपोश अपराधों विशेषकर संपत्ति संबंधित अपराधों के बारे में शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इस मुद्दे को संबोधित करने का निर्णय विशेष तकरार निवारण शिविर के माध्यम से लिया गया। शिविर के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। देशमुख ने बताया कि इस शिविर के लिए कुल 300 शिकायतें आई थी, इनमें से 50 शिकायतें आज ली गई और आज 50 में से 8 मामलों के आरोपियों पर गुनाह भी दाखिल हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में भूमाफियों के मामले बढ़ रहे हैं, आगामी कुछ दिनों पुलिस विभाग इस पर काम कर इसे कम करेगी। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया कि इस तरह का शिविर महाराष्ट्र के बाकी शहरों में भी लिया जाएगा। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, असे अनेक माध्यम आहेत। त्या सर्व माध्यमांच्या माध्यमातून असलेल मेसेज काही महिलांना पाठवायचं, समाजामध्ये त्या निमित्ताने भेद निर्माण करण्याचं काम, एक प्रकारची धरा निर्माण करण्याचं काम काही अशा माध्यमात नव्हतं। काहीला कोणतंही कारण नसताना, काही वस्तुस्थिती नसताना बदनाम करण्याचं काम, महिलांना बदनाम करण्याचं काम, अशा पद्धतीने जसे पद्धतीनं जे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे मेसेजेस पाठवले जातात, त्यामध्ये मी उल्लेख केला जे अनेक माध्यमं आहेत, त्याच्या बाबतीत सायबर क्राईम विभाग आम्ही महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीनं आम्हाला अजून अद्ययावत करता येईल या दृष्टीनं आमचा प्रयत्न चालू आहे। आणि ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं महिलांच्या बाबतीत असलेलं मेसेज पाठवणं, समाजामध्ये भेद निर्माण करणं, अशा पद्धतीचं जर कोणी कारवाई करण्याचं काम केलं तर त्याच्यावर सायबर क्राईम विभाग अतिशय कठोरपणे कारवाई करेल, अशा पद्धतीचं प्रामुख्याने इथे मी सांगू इच्छितो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मुडके साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपूर।